मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो बाहर मौसम आज अच्छा लग रहा है। क्यों मैं चेक कर रहा हूँ, क्यों मैं नीचे हूँ, क्योंकि मेरे को ना अभी थोड़ी देर में मार्केट के लिए निकलना है, क्योंकि बेटे की स्कूल यूनिफॉर्म परचेज करनी है और डॉक्टर के पास तो इवनिंग में जाना है, तो उसमें तो टाइम काफ़ी है। बट अभी मैंने सोचा कि अभी जा जाते हैं यूनिफॉर्म के लिए, इवनिंग में तो क्यों रखना, इवनिंग में रश भी बड़ा हो जाता है और अभी मौसम ने अपनी इतनी गर्मी दिखाई नहीं है, क्योंकि अभी टाइम बड़ा कम हुआ है। मेरे कल क्या रहा, 12 बजे होंगे। ठीक है, तो अभी जाके शॉपिंग कराता हूँ, फिर बैठता हूँ एक ही बार, अपनी सेटिंग शुरू करता हूँ अपने ऑफिस। तो उनको तो मैं यूनिफॉर्म लेने के लिए छोड़ा है और खुद आ गया गुरुद्वारे में। बहुत ज़्यादा शांति मिलती है यहाँ पे। मैं आ गया हूँ। तो जब बाहर गया ना यूनिफॉर्म वगैरह परचेज करने के लिए, तो वहाँ पे ना एक पास में गुरुद्वारा पड़ता है, मॉडल टाउन गुरुद्वारा, तो फिर मैं कहा चल दर्शन कराता हूँ। तो अंदर गया, इट वॉज सो पीसफुल। मैं अकेला ही था ऑलमोस्ट वहाँ पे, और कोई भी नहीं था वहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो मैंने शायद 15 मिनट मैं वहाँ पर बैठा रहा अकेले ही, अपना मेडिटेशन करता रहा, ध्यान लगाता रहा। मैं क्या वहाँ पर तो यूनिफॉर्म वाली जगह पर तो बहुत रश होगा, तो मैं नीचे ही बैठ जाता हूँ। पर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे। और फिर वहाँ पे जो भी उनके सुपरवाइज़र थे वहाँ पे, तो उनसे परमिशन लेके ना मैंने थोड़ी सी क्लिप्स भी रिकॉर्ड की। मैं कह जा रहा था पता कर लूँ कि अलाउड है या नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई नोटिफिकेशन लगा नहीं हुआ था, तो मैं कहा चल फिर भी पूछ लेता हूँ। बट काफ़ी अच्छा लगा। और फिर घर आया तो मैंने मम्मी को बताया, मैं कहा ये देखो मैं रिकॉर्ड करके लेके आया हूँ, तो कभी मौसम अच्छा हुआ और उनकी तबीयत ठीक हुई ना, तो लेके जाऊंगा सभी को फिर। ऑलमोस्ट 7:30 हो चुके हुए हैं और मैंने मैट भी बिछा लिया, क्योंकि आज मेरा प्लान है चैलेंज के साथ साथ, ये पुशअप तो कर ही रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं स्टार्ट करूँगा अपना नॉर्मल वर्कआउट। तो मैं पहले एब्स पकड़ रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी देर से वर्कआउट नहीं किया, तो एब्स के साथ थोड़ा सा वार्म अप करता हूँ, फिर एक दो दिन में अपर बॉडी वर्कआउट स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि लेग में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे पैर पर जो अभी स्वेलिंग है उसके होते हुए मैं लेग वर्कआउट करूँ। Don't wanna sleep in, 'cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Ha! Have no regrets, yeah, I'll tattoo my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain. अभी स्कोर हुआ है 50। मैंने आज थोड़ी सी जो आर्म्स है ना, थोड़ी सी नैरो क्लोज करने की कोशिश की है, तो अभी देखते हैं अगला होता है कि नहीं होता। और अभी टाइम है मेरे, क्या नाम है, जो मैट बिछा हुआ है, मैं एब्स वर्कआउट करने वाला हूँ, पर उसको मैं कवर नहीं करूँगा, क्योंकि अननेसेसरी फिर व्लॉग लंबा हो जाएगा तो आप बोर हो जाओगे। तो वर्कआउट वॉज गुड, चाहे वो मिनी सीरीज थी, बट अच्छा लगा। अब होपफुली जल्दी ही इसको फुल फ्लैश कर दूंगा, तो अभी तो घर पे करना पड़ेगा जब तक पैर की तरफ ठीक नहीं होता, और जैसे ही ये भाई साहब ठीक होते हैं तो फिर मैं भागूंगा जिम की तरफ। तो डॉक्टर की विजिट हो गई है और
थोड़ी सी वॉक भी कर रहा था, भाई को फ़ोन करके अपडेट करना था। और बस अभी थोड़ी देर में ऊपर चले जाऊंगा क्योंकि ज़्यादा वॉक करने की ज़रूरत नहीं है। आज मिनी सीरीज़ की थी ना वर्कआउट की, तो ज़्यादा वॉकिंग क्यों करूँ फिर। और आज जो मेरे को ऐप्स का वर्कआउट करके जो खुशी मिली ना, उसकी खुशी मेरे से संभाली नहीं जा रही, क्योंकि ऐप्स की वाकई बड़ी ज़रूरत है। और मेरे को लग रहा है कि जब मैं अपना ये क्या कहते हैं पुशअप्स का 30 डेज का चैलेंज ख़त्म कर लूँ ना, उसके बाद मैं फिर ऐप्स का शुरू कर लूँगा, या फिर ऐसे करता हूँ कि अभी से स्टार्ट कर लेता हूँ। ज़रूरी थोड़ा हर चीज़ रिकॉर्ड करनी है, तो उसको वैसे ही करता हूँ, क्योंकि ऐप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे को। 5 महीने से मैं घर पर बैठा हूँ, जिम तो गया नहीं हूँ। इवनिंग वॉक तो हो गई, अब मैं ऊपर आ चुका हूँ। ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है 11 बज गए हैं, और चेक ही कर लेते हैं कितना टाइम हुआ है। टाइम हो रखा है 11:15 हो गया यार। तो वर्कआउट कर लेते हैं अपना ख़त्म, जो आज का चैलेंज है। अभी कितना स्कोर हुआ है, अभी 50 तक कर चुका हूँ, तो देखते हैं अभी कितना करता हूँ। आज तो मैंने क्या कहते हैं ऐप्स का वर्कआउट भी कर लिया, तो मैं वही वॉक करते करते सोच रहा था कि उसको मैं रूटीन में ले आता हूँ, क्योंकि उसकी ज़रूरत महसूस हो रही है मेरे को। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Ha! Have no regrets, yeah, I'll tattoo my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed. So workout मैंने कर लिया है और complete किए हैं 50. एक्चुअली हुआ पता कि आपने भी नोटिस किया होगा कि 40 करने के बाद जब मैं रुका ना वहाँ पे, तो ये सेल्फी स्टैंड से कैमरा गिर गया, और तो शुक्र है कि ज़मीन पर ही रहा, कि ज़्यादा ऊपर से नहीं गिरा। तो मेरे को काफ़ी दिनों से थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही थी इसमें कि इसकी ग्रिप लूज़ होती जा रही है, क्योंकि काफ़ी पुरानी सेल्फी स्टिक यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि तो जहाँ पे इसकी ग्रिप होती है ना, जहाँ पे मोबाइल को होल्ड करते हैं, तो वो लूज़ हो रहा है। तो मैं वही देख रहा था अल्टरनेटिव, पर आज मेरे साथ हो ही गया, शुक्र है ऊपर से नहीं गिरा। तो आई होप आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में जल्दी ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।